दोस्तों मैं जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के लिए सैमसंग के ओपेरा हाउस में। चलिए चलते हैं। तो बेंगलुरु में सैमसंग ने एक अनपैक्ड इवेंट होस्ट किया था जहाँ पर उन्होंने जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है प्रीमियम कैटेगरी का उसे अनवील किया था, सैमसंग S23 सीरीज़ का। ये जो अनपैक्ड इवेंट है शेयर ये पिक, ये एक तरह से लाइव स्ट्रीम इवेंट था। तो लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद हमें जो सैमसंग के नए स्मार्टफोन्स हैं उन्हें देखने का मौका मिला, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मेन हाईलाइट या अट्रैक्शन कह सकते हैं, वो था सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अब ये जो स्मार्टफोन है ये एपिक डिस्प्ले के साथ में आता है, इसमें डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दिया हुआ है, QHD रेजोल्यूशन अडैप्टिव विजन बूस्टर के साथ में आता है। ये एपिक फोटोग्राफी के लिए बना हुआ है। मेन हाईलाइट है 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि F1.7 अपर्चर के साथ में आता है, OIS और VDIS सपोर्ट के साथ में आता है स्टेबल फुटेजेस के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लो लाइट फोटोग्राफी को ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी हद तक एनहांस करने वाला है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 पावर्ड है जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। जहाँ तक डिज़ाइन की बात करें तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हैंड फील भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो S23 अल्ट्रा है ये, जी हाँ दोस्तों, S पेन के साथ में आता है और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा। इनके अलावा जो अन्य S23 सीरीज के स्मार्टफोन्स है उनमें है गैलेक्सी S23 जो कि डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले के साथ में आता है, अडैप्टिव विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। ये 50 मेगापिक्सल F1.8 अपर्चर वाले OIS VDIS कैमरा के साथ में आता है और 12 मेगापिक्सल डुअल पिक्सल ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा भी इसमें दिया हुआ है। इसमें 3900 mAh की बैटरी है और ये भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 पावर्ड है। इस हैंडसेट का जो हैंड फील है ये काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये पसंद आने वाला है। एक और वेरियंट है S23 प्लस और इसमें भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। तो ये जो S23 सीरीज है इसमें आपको बेसिकली तीन फोन्स मिलते हैं, S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है आप कमेंट सेक्शन या फिर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनके अलावा सैमसंग ने कुछ लैपटॉप्स भी लॉन्च किए हैं Book 3 सीरीज के, गैलेक्सी Book 3 अल्ट्रा। ये इंटेल कोर i9 पावर्ड है 13th generation। इसमें डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले यूज़ किया गया है, WQXGA प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 1.79 kg इसका वजन है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है। गैलेक्सी Book 3 प्रो ये दो वेरिएंट्स में आने वाला है, i5 या i7। इंटेल 13th generation प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है WQXGA प्लस और इसका वजन है 1.17 kg। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, गैलेक्सी Book 3 Pro 360। इसे आप लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ये एस पेन सपोर्ट के साथ में आता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले है। इसमें भी इंटेल 13th gen प्रोसेसर यूज़ किया गया है, i5 या i7 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। डायनेमिक एमोलेड 2x WQXGA प्लस डिस्प्ले के साथ में आता है और इसका वजन है 1.6 kg के आसपास। तो दोस्तों सैमसंग ने ये डिवाइसेस इंडिया में लॉन्च कर दिया है, स्मार्टफोन्स एज वेल एज लैपटॉप्स। इन डिवाइसेस में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइस कौन सा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।